जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा और आप देख रहे हैं रिदा हुसैन। तो जनाब आज हम आपको बारिश की रूटीन बताएंगे। जनाब जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो हम क्या क्या करते हैं, हम लोग नानों के टब निकालते हैं और उसमें बारिश वाला पानी इकट्ठा करते हैं और खूब उसमें इंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर बाद में हम लोगों ने शावर वगैरह लिया तो हम नीचे आए, भूख लगी हुई थी, नानों ने बनाई हुई थी आलू और भिंडियाँ। अच्छा जी, हर कोई मुझसे पूछता है आप लोग आलू और भिंडियाँ कैसे बना लेते हो। भिंडियाँ गोश्त के साथ या भिंडियाँ किसी चिकन के साथ चलती हैं, आलू के साथ तो हम लोग भिंडियाँ नहीं बनाते। तो जनाब ये जो मेरी अम्मी है ना, वो बहुत अच्छी आलू और भिंडियाँ बनाती हैं, बहुत मज़ा आता है। हम जब छोटे होते थे ना तो वो यही करती थी, हम भिंडियाँ नहीं थे खाते तो हम लोग आलू का मतलब के अंदर आलू चुन चुन के खा लेते थे। खैर ये मुझे रोटी बनानी मेरी मम्मा ने सिखाई हुई है, बहुत मुश्किल से आई। लेकिन रोटी बनाने की सबसे मज़े की बात ये होती है कि आपका पेरा गोल होना चाहिए। खैर देखे मैंने रोटी गोल बना ली और ये अच्छे से बनाई। मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम रोटी गोल बनाई थी ना तो मैंने सबसे पहले अपने पापा को खिलाई थी। मेरे पापा इतना पसंद किया, बहुत पसंद किया, मुझे इनाम भी उन्होंने दिया। तो लेकिन रोटी अभी भी होता है कि जब मैं तवे पर डालने लगती हूँ ना तो साइड से थोड़ी सी यहाँ साइड से टेढ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे कदरे बेहतर है, घर वालों को पसंद आ जाती है। खैर रोटी बनाना सबसे बड़ी टेक्निक की बात होती है, क्योंकि खाने वगैरह सब बना लेते हैं लेकिन रोटी कोई कोई ठीक बना सकता है। तो मामा ने मुझे रोटी बनानी सिखाई थी बहुत अच्छे से। मामा ने बहुत प्यार से समझा के, ये ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, पहले मैं प्लेट और जब मैं रोटी को बेलती थी ना तो ऊपर मैं गोल प्लेट रख के साइडों से किनारे काट कूट लेती थी, मतलब के गोल कर लेती थी, इस तरह से सबको उल्लू बना लेती थी। लेकिन हर हुसैन इतना रो रहा था कि इसने मुझे हैंड भी नहीं वॉश करने दिए। रोटियां जब पकाते हैं ना तो हाथों पे आटा लग जाता है। मैंने कहा चल यार बाद में धो लेंगे एक बार ही। तो मैं फिर हुसैन को वैसे ही खिला रही थी जैसे अम्मी हमें खिलाती थी आलू के साथ। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।